नमस्कार, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्रदान करने वाला है सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत मानसिक बेचैनी दूर करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, आपके व्यापार में चार चांद लगाने वाला, जीवन के सारे संकटों का नाश करने वाला, मन चाहे जीवन साथी की मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। सोमवार के व्रत का आरंभ करने के लिए सावन, कार्तिक, चैत्र, माघशीर्ष, वैसाख माह बहुत अच्छे माने जाते हैं। सोमवार के व्रत का आरंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से करना चाहिए। सोमवार के 10, 54 या फिर कई लोग बिना उद्यापन के हमेशा के लिए ये व्रत करते हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। प्रति सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें। अपने घर का मंदिर साफ करके भगवान के आगे बैठकर हाथ में जल या चावल और फूल लेकर जितने व्रत आपने रखने हैं उसका भगवान के आगे संकल्प लें और अपनी मनोकामना भगवान के आगे रखें। स्त्रियां ध्यान दें, मासिक धर्म में वे व्रत रखें पर पूजा ना करें, पर उनका व्रत गिना नहीं जाएगा। हो सके तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और दोनों समय ही नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहने। दोनों समय न पूजा कर सके तो सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मंत्र उच्चारण करें और शाम को प्रदोष काल में विशेष पूजा करें। सोमवार का कोई भी व्रत 3 पहर का होता है। शाम को प्रदोष काल में 4 से 6 बजे के बीच इसकी पूजा करके आप एक समय का भोजन ग्रहण करें, पर पूजा हमेशा ही एक निश्चित समय पर ही करनी चाहिए। माना जाता है कि एक बार जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय भगवान आपका इंतजार करते हैं। ये पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी। एक चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछा के उस पर पहले गणेश जी की, फिर माता पार्वती और शिव जी की फोटो रखें। शिवलिंग जरूर होना चाहिए आपके पास। घर में शिवलिंग रखते हैं तो उसका आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक थाली में शिवलिंग रखें। आप भगवान के आगे मोटे आसन पर बैठ जाएं। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पित करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा भगवान शिव है और नीचे का माता पार्वती है, तो शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। मंदिर में है तो पूरे शिव परिवार को ही करवाएं। पूरी पूजा के समय ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद आपके साथ कोई पुरुष पूजन कर रहा है तो जनेऊ भगवान को जरूर चढ़ाएं, फिर तिलक लगाएं, अक्षत, भस्म, भांग, दतूरा, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित करें, फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, जिसमें कोई भी फल और सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं। पूजा के बाद ये प्रसाद पहले सब में वितरित करें, फिर खुद ग्रहण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। कथा पढ़े या सुने, हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करें, फिर आरती करें। पूरा दिन ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। इस व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं होता, परंतु भोजन एक ही समय लिया जाता है। व्रत शाम तक रखा जाता है। दिन भर आप फल, सूखे मेवे, दूध, चाय ले सकते हैं, पर भोजन आप शाम के समय एक ही बार लें। भोजन मीठा ही लें, नमक ना खाएं,
कई लोग बीमार हों और वो मीठे भोजन से व्रत ना रख सके तो वो सेंधा नमक का इस्तेमाल करके कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करके भोजन ले सकते हैं। इस दिन सुबह शाम ओम श्राम श्रीं श्रोम सह चंद्राय नमः मंत्र का मोती की या रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप जरूर करें। इससे चंद्रमा से संबंधित सारे दोष खत्म हो जाएंगे। इस दिन शाम के समय आप दूध, चीनी, मिश्री, चावल, चांदी का सिक्का, मोती, दही, श्वेत वस्त्र, शंख, श्वेत पुष्प, कपूर, श्वेत बैल का दान आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। रात को सोने से पहले एक बार भगवान से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। इस दिन कुछ नियमों का ध्यान रखें। भगवान शिव का अर्ध नारेश्वर रूप है तो स्त्रियों का घर और बाहर सम्मान करें। कोई भी दुर्विचार मन में ना लाएं। घर में सात्विक माहौल बनाकर रखें। इस दिन अपना मन और वाणी निर्मल बनाएं। क्रोध ना करें। व्रत में शुचिता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। किसी प्रकार का नशा ना करें। व्रत वाले दिन चोरी, झूठ, हिंसा आदि से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब मैं आपको बताती हूँ सोमवार व्रत के उद्यापन के बारे में। उद्यापन वाले दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछा के पहले गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की करें। जैसे हर सोमवार पूजा करते हैं वैसे ही करें। चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण कर उनकी पूजा भी करें। हवन में ओम नमः शिवाय बोलते हुए खीर की आहुति दें, फिर आरती करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से और माता पार्वती से क्षमा याचना करें, फिर ब्राह्मण भोजन करवाएं और दान दक्षिणा दें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें, बाद में पंडित जी का आशीर्वाद भी लें। किसी गरीब को भी भोजन करवाकर दक्षिणा जरूर दें, फिर खुद भोजन ग्रहण करें। सोमवार व्रत की कथा के लिए आप मेरा इसका कथा का वीडियो देख सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।